वो पांच मौके जब बिग बॉस 13 में पार हो गई बेहूदगी की हद। ये वो मौके थे जब शो मेकर्स और घर के अंदर कंटेस्टेंट्स पर गुस्सा आया। ये वो मौके थे जब लगा कि मनोरंजन के नाम पर कुछ भी नहीं दिखा सकते। साथ ही ये वो मौके भी थे जब हमें लगा कि क्या कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। बिग बॉस 13 ने करीब 5 महीने के अपने सफर में जमकर सुर्खियां बटोरी। इस दौरान बिग बॉस के घर में ऐसी कई बातें घटनाएं हुई जिन्होंने हमारा खूब मनोरंजन किया। कई बार हम दर्शक भावुक भी हुए, गुस्सा भी आया। शो अपने ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गया। टॉप 6 कंटेस्टेंट्स में से किसी एक को शनिवार को विनर चुना जाएगा। लेकिन इन सब के बीच हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस शो ने कई बार बेहूदगी की हद भी पार की। सिद्धार्थ और आसिम की लड़ाई। शो में कभी दोस्त बनकर मनोरंजन करने वाले सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज इस हद तक गिर जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। याद कीजिए तो सेब और संतरे की बात पर शुरू हुई उनकी लड़ाई 3 दिनों तक चली थी। तब शो को 2 महीने हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। आसिम ने सिद्धार्थ के लिए भद्दी बातें कही, वहीं सिद्धार्थ ने यहाँ तक कहा कि आसिम सिर्फ एक मॉडल है और उनकी यही हैसियत है। तब बात एक दूसरे के परिवार और माँ बहन तक चली गई। शो जीतने की जिद में क्या दोनों ये भूल गए कि रियलिटी शो के बाहर एक आम जिंदगी भी है और करोड़ों लोग उनकी इस नंगई को देख रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि की चाय वाली फाइट। शो के पहले दिन से ही रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला एक दूसरे के राइवल की तरह रहे हैं। दोनों हमेशा एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखे। बात उस वीकेंड के वार की है जब सिद्धार्थ और रश्मि में जुबानी जंग शुरू हो गई। बात इस हद तक बढ़ गई कि रश्मि देसाई ने सिद्धार्थ शुक्ला पर चाय फेंक दी। हालात इस कदर बुरे हो गए कि सिद्धार्थ ने अरहान की शर्ट फाड़ दी और रश्मि को जमकर बुरा भला भी कहा। मधुरिमा और विशाल की फ्राई पैन वाली लड़ाई। मधुरिमा तुल्ली और विशाल आदित्य सिंह ने तो हद की हद भी पार कर दी। दोनों एक दूसरे से जानवरों की तरह लड़ते हुए नजर आए। उन दोनों को देखकर शायद ही कोई ये कह पाए कि दोनों के बीच कभी प्यार मोहब्बत की कहानी चल रही थी। घर के अंदर मधुरिमा इस कदर हिंसक हो गई कि उन्होंने पहले विशाल को चप्पल से मारा, फिर फ्राई पैन से पीटा। इसका असर ये हुआ कि मधुरिमा तुल्ली घर से बेघर हो गई। सिद्धार्थ और शहनाज के कंबल वाले किस्से। बिग बॉस में शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी ने सबसे अधिक सुर्खियां बटोरी। लेकिन एक सच ये भी है कि इस जोड़ी के आपसी प्रेम मलाप ने दर्शकों को बहुत शर्मिंदा भी किया। दोनों कभी बिस्तर में तो कभी एक दूसरे की गोद में ऐसे बैठे पाए गए जैसे कोई रोमानी फिल्म चल रही हो। निजी जिंदगी की बातों का सरेआम होना। पूरे सीजन में शायद ही कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जिसकी निजी जिंदगी को लेकर शो में छिछलेदर नहीं हुई। फिर चाहे पारस छावड़ा की गर्लफ्रेंड का हिस्सा हो, आसिम रियाज की घर के बाहर इंतजार कर रही गर्लफ्रेंड का मामला, रश्मि देसाई और अरहान खान की निजी जिंदगी हो, या फिर आरती सिंह और सिद्धार्थ शुक्ला का रिश्ता, ऐसा लगा जैसे हर किसी की निजी जिंदगी की ठेकेदारी बिग बॉस और उसके होस्ट सलमान खान ने ले ली है। रियलिटी शो और गेम अपनी जगह है, लेकिन नेशनल टीवी पर जिंदगी के निजी पन्नों को इस तरह पलटना कहीं से भी जायज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।